आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे एरिया अंडर द कर्व का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां पर दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x एंड द लाइन x = 2। तो हमें यहां पर एक पैराबोलिक कर्व दिया है y² = 4x और एक लाइन दिया है। इन दोनों को यूज करके इन दोनों के अंदर जो रीजन मिलेगा, एरिया मिलेगा, उसको हमें ढूंढना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए। तो कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, हम इसका मार्किंग कर देते हैं। तो हमें इस तरफ मिला x का पॉजिटिव साइड, तो x एक्सिस का पॉजिटिव साइड उधर हो गया, इधर नेगेटिव साइड, इधर y का पॉजिटिव साइड और y का नेगेटिव साइड। अब हम पहले पैराबोलिक कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं y की दो वैल्यूज के लिए, क्योंकि y स्क्वायर है तो y की दो वैल्यूज के लिए हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं y² = 4x का पॉजिटिव कर्व हो गया ऐसा और नेगेटिव कर्व हो गया ऐसा। तो ये पैराबोलिक कर्व हो गया, इसका नेमिंग कर देते हैं y² = 4x। अब हमें किसको ड्रॉ करना है, x = a। तो ये कौन सा पॉइंट होगा और कौन सा लाइन होगा, ये y एक्सिस का पैरेलल लाइन होगा जो a, 0 पॉइंट से जाएगा। a, 0 पॉइंट हम एज्यूम कर लेते कि ये है, ये हो गया a, 0। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होगा, तब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते और ये y एक्सिस का पैरेलल भी होगा। तो ये हमें मिल गया। अब देख सकते हैं इन दोनों के अंडर जो एरिया हमें मिल रहा है उसको हमें ढूंढना है। तो कौन सा एरिया मिल सकता है, पॉजिटिव साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक एरिया है हमें ऊपर मिल रहा है जो x एक्सिस के ऊपर आ गया है और बाउंडेड है दोनों कर्व से, एक लाइन था और एक पैराबोलिक कर्व था, दोनों से ये बाउंडेड है। सिमिलरली नीचे भी एक मिल रहा है इधर। अब हम देख सकते हैं ये दो कर्व, ये दो एरिया जो हमें मिला है, ये x एक्सिस के बेसिस में सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी जो एरिया मिलेगा नीचे भी सेम एरिया मिलेगा, सेम ही कर्व के अंडर है और ये लाइन इसको सिमेट्रिक तरीके से इसको ब्रेक कर रहा है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, एक का एरिया हम यहाँ पर निकालेंगे, ये जो पॉजिटिव साइड का एरिया है इसको निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एरिया मिल जाएगा। तो हम सिर्फ पॉजिटिव जो कर्व है, मतलब y² = 4x का पॉजिटिव कर्व क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम y = पॉजिटिव वैल्यू ऑफ √4x, तो मिलेगा 2√ax ऐसा मिलेगा। तो y = पॉजिटिव साइड लिया तो ये पॉजिटिव कर्व देगा और उसके अंदर जो एरिया होगा उसके साथ हमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जो एरिया था वो आ जाएगा। यहाँ पे हमें ओरिजिन मिला था तो ये हो गया O पॉइंट 0, 0। और हमें इंटीग्रेशन कहाँ से लेना है, 0 पॉइंट से लेके A पॉइंट तक, 0, 0 पॉइंट से a, 0 पॉइंट तक। dx के ऊपर होगा, मतलब x एक्सिस के ऊपर है तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और ये जो कर्व है पैराबोलिक कर्व इसके अंडर होगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, हमें नीचे करते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से a तक, कर्व क्या है y कर्व और x के ऊपर हो रहा है तो dx, ब्रेक करेंगे, y की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2√ax, तो हमें मिला 2√ax dx। अब 2√a तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2√a और क्या रहेगा, रूट एक्स का गया, उसका इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होगा, x³/3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 एंड a। अब 3/2 नीचे जो डिवीजन फॉर्म में है ये बाहर आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो हमें मिलेगा 4/3√a। अब वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो a³/3/2 - 0³/3/2 दैट इज 0। तो a³/3/2 को लिख सकते हैं a√a, ये बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 4/3a² पर ये जो एरिया आया ये किसका एरिया आया, पॉजिटिव साइड का, दैट इज ये वाला। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 × 4/3a² तो हमें क्या आंसर मिलेगा टोटल एरिया का, 8/3a², ये टोटल एरिया हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 8/3a² स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।